क्या हाल चाल है? लाइव स्टूडेंट्स क्या हाल चाल है? वही हड्डी वही खाला। ओके बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे अभी यहाँ पे बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है सभी बच्चों का एग्जाम, चाहे फेस टू फेस में या फिर लाइव में है, सभी का एग्जाम जो है वो होने वाला है जुलाई में, राइट? मैं आज का आपका जो सेशन लूंगी वो आपकी जीरो बेसिक क्लास होगी। जीरो बेसिक मतलब कंपनी लॉ को पढ़ने के लिए आपको जीरो बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप कंपनी लॉ को पढ़ सकते हो। अगर कंपनी लॉ की मैं बात करूं तो आपके लिए कंपनी लॉ है आन बान शान और पहचान। आपके लिए आपका जो प्रोफेशन है उसका पूरा नाम क्या है? कंपनी सेक्रेटरी। यहां जो सेक्रेटरी बनना है वो किसी पर्सनल पर्सन का पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है, कंपनी का सचिव है, और इसके मायने बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो कंपनी सेक्रेटरी की जब हम बात करेंगे तो कंपनी सेक्रेटरी इज अ पर्सन हु हैव कंप्लीट एंड इनडेप्थ नॉलेज अबाउट द कंपनी लॉ एंड हैविंग अ नॉलेज ऑफ अदर लॉस। तो यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर कोई एक्सपर्ट पर्सन अगर पूछा जाता है हु इज एक्सपर्ट इन अ कंपनी लॉ, द ओनली एंड ओनली ओनली एंड ओनली वो सिर्फ क्या है? कंपनी सेक्रेटरी। तो अब अगर हम बात करें कक्षा 12वीं की, अगर आपने क्लास 12 का एग्जाम दे दिया और आपका रिजल्ट आने वाला है तो आपके दिल की धड़कन हो रही है धड़ 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 धड़। तो आपको अपने दिल की धड़कन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपके परसेंटेज कितने भी हो मायने नहीं रखते, ये आप सोच लेना। आपके परसेंट 90 है, 95 है, 85 है, या उसके 48 है, डजंट मैटर, चाहे 84% है या 48% है, इस कोर्स में कोई मायने नहीं रखता। इस कोर्स के लिए मायने रखता है आपका डेडिकेशन, आपका कंसेंट्रेशन, आपके पेशेंस, आपका हार्डवर्क। अगर आपने अब ये कोर्स ज्वाइन कर लिया तो मजा आए तो वाह वाह जरूर करना, है ना? ये जो कोर्स आपने ज्वाइन किया ये है आग का दरिया है और डूब के जाना है। क्या बोले मैंने जरा बताना? आग का दरिया है और वाह वाह तो कर दो, आवाज नहीं आई। इरशाद इरशाद सुभान अल्लाह। इट मींस ये जो सीएस का कोर्स है ये क्या है जरा एक बार फिर से बताओ? आग का दरिया है और आवाज नहीं आई, वाह वाह तो करो भैया, इरशाद इरशाद सुभान अल्लाह। इट मींस आपका जो ये कोर्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पॉइंट नंबर वन, जब इस कोर्स के अंदर कोई ज्वाइन करता है तो बहुत एनर्जी के साथ आता है, बहुत अच्छी एनर्जी होती है। ये बात उन्हें पहले से ही पता होती है कि भैया सीएस करने जा रहे हैं कि हाँ जी करने जा रहे हैं, कि सुना है कि क्या, कि सुना है कि क्या होता नहीं है, कि क्या ये कोर्स नहीं होता है, कि क्या हो जाता है जी, फेल हो जाते हैं। अब जिस व्यक्ति ने ये बात बोली, क्या वो कंपनी सेक्रेटरी है? क्या उसने सीएस के एग्जाम दिए हैं? कुछ भी नहीं, उसका दूर से दूर तक कोई नाता इस कोर्स के साथ नहीं है, लेकिन उसने एक तात्पर्य के हिसाब से सुनी कही सुनी बातें कही कि भैया तू जो ये कोर्स कर रहा है ये क्या है, मुश्किल है, और इसमें क्या हो जाते हैं, सब फेल हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही इस कोर्स के अंदर फेल नहीं होते, लेकिन इंसान फेल तब होता है जब वो छोड़ देता है। अगर आप सच्चे ईमानदार और एक अच्छे स्टूडेंट हमारे बनना चाहते हो तो आपको एक प्रण लेना है जिसमें मैं भी बहुत विश्वास करती हूं, करत करत अभ्यास। क्या बोला मैंने? आप अपने मन में ये कमांड दे लेना, जो कि जैसे कि मैं भी अपनी बात बताऊं, जब मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी औकात है भी या नहीं भी, मैं ये कोर्स कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा था आग का दरिया और डूब के जाना है। मैंने सोच लिया था अगर ज्वाइन कर लिया, इफ आई हैव वर्थ टू ज्वाइन सीएस देन आई हैव वर्थ टू फिनिश सीएस, और आपके सामने जीता जागता एग्जांपल है। मैं आपसे कहना चाहती हूं अगर आपने सोच लिया कि मुझे सीएस ज्वाइन कर लिया है तो अब ये नहीं सोचना कि होगा कि नहीं होगा। नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रही हूं? आपको एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए आपके मन में कभी विचार नहीं आना चाहिए कि अगर हुआ तो ठीक है और नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा। जिस बच्चे के मन में विश्वास ये विचार आया कि हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा, फिर से सुनिए, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा, समझ लेना गई भैंस पानी में। जिस दिन तुम्हारे मन में विचार आ गया कि हुआ, क्या बोल रही हूं मैं, हुआ, आवाज नहीं आ रही, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा, तो भैया छूटेगा, छूटेगा 100% छूटेगा। आपको एक नंबर का बेशर्म इंसान बनना है। मैम आप कैसी कैसी बातें करते हो, अरे मतलब जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो, अगर यहां पे आते ही सब सीएस बन जाएं तो फिर आज के डेट में 60-65-70 हजार कंपनी सेक्रेटरी नहीं होती क्या? अप्रोक्सीमेट आइडिया बता रही हूं, फिर तो लाखों कंपनी सेक्रेटरी होती है। सुनो, इट मींस कुछ तो है, इट टेक सम टाइम। अभी आप 18 साल, मात्र 18 साल की आयु के होंगे, ये सुनो, मैं कहती हूं इस कोर्स को करने में तुम्हारे 3 से 4 साल 5 साल लग गए, एक एग्जांपल दे रही हूं, ज्यादा से ज्यादा। मैक्स टू मैक्स कितने साल लगे? 5 साल। 5 साल बाद तुम कितने साल के जाओगे? मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल का सोच रही हूं, कितने साल के जाओगे?
एक व्यक्ति का ऑन एन एवरेज बिना मोमोज के जीवन 70 साल का होता है, विद मोमोज 60 साल का होता है, मोमोज प्लस बर्गर प्लस पिज्जा सब खाते तो 55-58 साल का होता है। तो आप कौन सी कैटेगरी में वो आप देख लेना। 23 साल की उम्र में कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, 23 साल की उम्र में कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, बाकी के 50 साल मजे से जीना है। 50 साल के लिए अगर 5 साल मेहनत कर भी लो, प्लस आपको नहीं सिर्फ आपको ही फायदा नहीं मिलेगा इस कोर्स का, आपकी आने वाली पीढ़ी को, आपकी आने वाली फ्यूचर जनरेशन को, आपके साथी को, आपके पेरेंट्स को एक बड़ा नाम, आपको एक समाज में रिस्पेक्ट और पैसे तो है ही। तो अगर इतना सब कुछ हमें मिल रहा है, देखिए पैसे सब कुछ नहीं होता, पैसे तो इंसान कैसे भी कमा सकता है। आज इस गली के नुक्कड़ में मैं खड़ी हो जाऊं बंदूक लेके, भाई सब गोली मार देंगे, गाड़ी देके जा, चेन देके जा, तो 1-2 लाख रुपए तो कमाई लेंगे दिन के। ये सो रोकी से बस में चढ़ जाओ, जो भी लेडीज दिखाई दे उसकी चेन खींच लो, किसी लड़के में बढ़िया फोन दिखाई दे उसका फोन खींच के भाग जाओ, तो 50-60 हजार रुपए रोज की अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें जीवन में शांति नहीं है। पैसा मायने रखता है, लेकिन रेस्पेक्ट के साथ पैसा बहुत ज्यादा मायने रखता है। आई एम राइट और रॉन्ग? तो अगर इस कोर्स को करने से आपकी गाड़ी पे लोगो, आपके नाम के सामने सीएस, आपकी जिंदगी में एक सुकून, आपकी इज्जत, आपके आने वाले बच्चों की इज्जत, क्योंकि जब आप किसी स्कूल में एडमिशन कराने जाओगे पूछा जाएगा आपकी मदर क्या करती है, आपके फादर क्या करते हैं, माय मदर इज अ कंपनी सेक्रेटरी सीएस, हाँ, तो आपके बच्चों को अलग निगाहों से देखा जाएगा। आई एम राइट और रॉन्ग? बताइए क्या मैं गलत कह रही हूं? दूसरा डबल एडवांटेज इस कोर्स को करने का, मजा है तो वाह वाह जरूर करना। दूसरा फायदा देखो, लड़की ध्यान से सुनना तुम, दूसरा फायदा इस कोर्स को करने का पता क्या है, 99% फायदा हो जाता है। मान के चलो आप सीएस कर रहे हो, फ्यूचर में आप सीएस बन जाते हो तो आप अपनी प्रोफेशन में जाओगे, यस और नो? या तो सीएस से शादी करोगे या सीएस से शादी करोगे, तो ड्यूअल फायदा हो गया ना। अब बच्चे के माता भी और पिता भी दोनों प्रोफेशनल हो गए, यस और नो? आई एम राइट और रॉन्ग? बताइए ना, क्या इस बात में दम है? नहीं मैम, शरा मारी आप कैसे कैसे बताए, भैया शादी तो होनी है 5-7 साल बाद होनी है कि नहीं होनी है? हर एक व्यक्ति यही चाहता है मेरे परिवार से जो भी कनेक्ट हो पढ़ा लिखा इंसान हो, क्योंकि एक पढ़ी लिखी लड़की, एक पढ़ा लिखा इंसान 3 पीढ़ी तक फायदा देता है। एक एजुकेटेड पर्सन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि नेक्स्ट 3 जनरेशन तक एडवांटेज मिलता है पढ़ाई लिखाई का। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अब अपने आप से आपको वादा करना है कि मैं वादा करता हूं, मैं वादा करती हूं कि अब जब तक ये कोर्स पूरा नहीं होगा, चाहे आप मेरे साथ कनेक्टेड हो या कनेक्टेड नहीं हो, या आप मेरे से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन अपने मन में एक चीज ठान लेना, किसी की शादी, किसी का ब्याह, किसी का प्रोग्राम, किसी का फंक्शन, किसी के आना, किसी के जाना, मेरा लंच हो, मेरा लहंगा, मेरी ड्रेस, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, ये समझ लेना। मेरी यारी, मेरी दोस्ती, मेरा दोस्त को लड़कों ने पीटा, बाइक में बैठे ओके लिए पहुंच गए, भूल जाना आपका कोई दोस्त है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर देखो कुछ करने के लिए ना, सबसे पहली चीज है आपको कोई स्कूल नहीं है। अभी तक आपने स्कूलिंग करी, क्लास 12 तक आपने स्कूलिंग करी, बहुत अच्छी बात है। आप 11वीं के बाद आपने कैसे पढ़ाई करी आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से आपने पूरा साल टीएस ग्रेवाल के साथ निकाल दिया, पहली बुक पढ़ी, सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसके अलावा सेकंड बुक कब कितनी पढ़ी वो आपको भी पता है। आई एम राइट और रॉन्ग? पता है ना आपको, ट्यूशन में 1 घंटे की ट्यूशन क्लास होती थी, उसमें इफेक्टिवली कितनी देर पढ़ाई होती थी आपको भी पता है और मुझे भी पता है, यस और नो? जितनी देर आप ट्यूशन की क्लास पढ़ते थे उतनी से ज्यादा देर तो मुझे चैप्टर शुरू करने में लगेगी, तो ये एक वास्ट डिफरेंस है उसमें और इसमें। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ाई है वो स्कूल से बहुत अलग है, यहाँ की पढ़ाई वहां से बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ की वहां जो पढ़ाई करी ना क्लास 12th में, वो पता है किस लिए की जाती है? बताइए किस लिए? क्लास 12th में परसेंटेज का इंतजार है माता और पिता को, माता और पिता भी इंतजार कर रहे हैं मेरे बच्चे के 90% आएंगे तो उसी दिन में गली मोहल्ले में ऐसे करके निकलो, भाई 90% है मेरे बच्चे के। वो जो परसेंटेज है वो सिर्फ हमें रिस्पेक्ट देने के लिए, सोसाइटी में बताने के लिए कि हमारे बच्चे के इतने परसेंट मार्क्स हैं। लेकिन बच्चों अगली बात पे आपको रोना आ जाएगा, सच्ची कह रही हूं, अगली बात पे आपको क्या आ जाएगा, रोना आ जाएगा, क्योंकि अगली बात आपके दिल को छू लेगी। पता है क्यों? अब जो कोर्स आप कर रहे हो वो आप अपनी रोजी रोटी के लिए, पैसे कमाने के लिए, समाज में नाम करने के लिए। अगर आप ये सोचते हो कि आप अभी छोटे बच्चे हो तो आप छोटे बच्चे नहीं हो। क्या बोला मैंने? अगर आप ये सोच रहे हो कि आप क्या हो, छोटे बच्चे हो, तो आप छोटे बच्चे नहीं हो। बहुत लास्ट और इंपॉर्टेंट बात बता के अपने टॉपिक को स्टार्ट करूंगी। 18 साल की उम्र एक ऐसी उम्र है कि इस उम्र के बाद आपके दो रास्ते हैं, दो राह है, एक इधर जाती है एक इधर जाती है। ऐसे राह पे आप खड़े हो कि अगर सही डायरेक्शन में चले गए तो आप इतनी ऊंचाई को छुओगे कि आप तक पहुंचने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा। लेकिन आप अपने आप को इतना सस्ता भी कर सकते हो,
ऐसे राह पर भी जा सकते हो कि आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आज के डेट में आपकी जो भी इंपॉर्टेंस है आपके पेरेंट्स की वजह से है। अगर आपके पेरेंट्स का सरनेम आपके नाम के साथ हटा लिया जाए तो आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हर एक माता पिता अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाता है, इसलिए एजुकेट करता है कि समाज को फेस करना है, समाज में रहना है, सही गलत का आइडिया हो, सही गलत में अंतर कर सके और अपने जीवन को सही ढंग से जी सके। ये सुन लो, तो अब ये जो कोर्स है, ये कोर्स सिर्फ आपको मेंटली स्ट्रांग नहीं करता है, सिर्फ आपको मेंटली स्ट्रांग नहीं करता है, ये कोर्स आपको इमोशनली भी स्ट्रांग करता है। क्या बात बोली मैंने, ये कोर्स आपको मेंटली स्ट्रांग नहीं करता है, सिर्फ दिमाग ही तेज नहीं करता है, ये आपको इमोशनली स्ट्रांग करता है। कैसे? जब एक बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है, हार्डवर्क करता है, हार्डवर्क करता है, हार्डवर्क करता है, और उसके बाद जब रिजल्ट क्या आता है, फेल का, तो बस वो वही बैठ जाता है। लेकिन वही बच्चा फिर उठता है, फिर बढ़ता है, फिर पढ़ता है, फिर पढ़ता है और फिर पास होता है। तो बताइए क्या इमोशनली स्ट्रांग हुआ कि नहीं हुआ? Yes or no? आज तक आपको ऐसा झटका कभी भी जीवन में नहीं लगा होगा कि आप फेल हो गए हो, लेकिन जब जिंदगी में पहली बार इस कोर्स में फेल होता है बच्चा, तो भाई सब ऐसे लगता है दुनिया ही खत्म हो गई, लेकिन फिर बच्चे के अंदर हिम्मत आती है, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला है, आपको जब तक नहीं रुकना है जब तक आप क्या ना बन जाओ, CS। आर यू गॉट द पॉइंट? अगली इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इस कोर्स में देयर आर सो मेनी चैप्टर्स आर देयर, तो यहां पे वही बच्चा कामयाब है जो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा और वही टीचर कामयाब है जो इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएगा। क्योंकि बच्चों को बिठाना, बच्चों के साथ कनेक्ट होना, बच्चों के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाना, वो तभी बन सकती है जब टीचर्स भी एफर्ट लगाएं। तो टीचर का रोल भी यहां इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ बच्चों का भी रोल यहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक सिंपल फंडामेंटल कहना चाहूंगी, डोंट टेक स्ट्रेस, कॉन्फिडेंस ऑन फियर गोन। क्या आपको पढ़ाया जाए वो आपको ध्यान रखना है, क्या आपको होमवर्क दिया जाए आपको वो ध्यान रखना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना। लास्ट बात बोलते हुए आपके इस टॉपिक में मैं आगे बढ़ूंगी। आपने एक नाम सुना होगा एकलव्य का, क्या नाम सुना है? एकलव्य का नाम सुना है? एकलव्य का नाम सुना है? तो एकलव्य कौन थी? एकलव्य और उनके गुरु की बात आपने जरूर सुनी होगी। एकलव्य अपने गुरु के पास गए कि मुझे आप दोनों विद्या सिखा दो, गुरु ने विद्या सिखाने से मना कर दिया। एकलव्य ने क्या किया, जंगल में गया, अपने गुरु की प्रतिमा बनाई, उनको देखकर डेली प्रैक्टिस करी और एक अच्छी धनु विद्या सीख ली। भाई साहब आपके सामने क्या प्रतिमा है बताइए ना, क्या मैं प्रतिमा हूं? नहीं, ना मेरा नाम प्रतिमा ना प्रतीक्षा, मेरा नाम तो प्रीति है, लेकिन मैं आपके सामने जीता जागता एग्जांपल हूं। जब एक प्रतिमा को देखकर हम प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं, तो एक टीचर की गाइडेंस में प्रैक्टिस क्यों अच्छी नहीं कर सकते? व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस थिंग, द क्रक्स ऑफ द एंटायर टॉपिक इज दैट कि बिलीव योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने कोर्स के ऊपर विश्वास करना है, प्लस जो आपको पढ़ा रहा है उनके ऊपर भी आपको विश्वास करना होगा, तभी जाके आप क्या हो पाओगे, कामयाब। किसी ने भी बोल दिया क्या कर रहा है, सीएस कर रहा है, ओहो ऐसे करके एक बार आपको बोल दिया इसका कोई स्कोप नहीं, भाई आपका दिमाग घूम जाएगा, पूरे दिन नहीं पढ़ोगे। कौन कहता है इसका स्कोप नहीं है, कौन कहता है इसका स्कोप नहीं है? मैं खुद कंपनी सेक्रेटरी हूं, आपको मुझे देख के लगता है इसका स्कोप नहीं है, लगता है आपको इसको अपनी है? एक एक कंपनी सेक्रेटरी के पास इतनी वर्थ है, किसी के पास पूरी जिंदगी में नहीं हो सकती। तो कैसे कह सकते हो आपकी कंपनी सेक्रेटरी का स्कोप नहीं है? हमें ये नहीं देखना कि सीएस हमें कितने हजार की नौकरी देगी, हमें ये देखना है कि सीएस करने के बाद हमें कमाना कितना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस और नो? तो सोच थोड़ी अलग रखनी पड़ेगी। गॉट द पॉइंट एवरीबडी? अब हम चलेंगे अपने टॉपिक की ओर। हाँ जी, लाइव वाले बच्चे तुमने सुना या नहीं सुना, या सुना सुना रह गया,